पीएम ने अपने संबोधन में देश को 77वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश में आई प्राकृतिक आपदा का जिक्र भी किया और प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों को याद किया। कोटि कोटि जनों को देश और दुनिया में भारत को प्यार करने वाले, भारत का सम्मान करने वाले, भारत का गौरव करने वाले कोटि कोटि जनों को आजादी के इस महान पवित्र पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। इस बार प्राकृतिक आपदा ने देश के अनेक हिस्सों में अकल्पनीय संकट पैदा किए। जिन परिवारों ने इस संकट में सहन किया है, मैं उन सभी परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और राज्य केंद्र सरकार मिलकर के उन सभी संकटों से जल्दी से मुक्त होकर के फिर तेज गति से आगे बढ़ेंगे, ये विश्वास दिलाता हूं। इसी के साथ में अमृत महोत्सव का भी समापन हो गया है। अपने संबोधन में पीएम ने अमृत महोत्सव का जिक्र किया तो मणिपुर पर बोलते हुए कहा कि देश मणिपुर के साथ है। मणिपुर के लोगों ने कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है उसको आगे बढ़ाए। विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं। हमारा सौभाग्य है कि भारत के ऐसे अमृत काल में, ये अमृत काल का पहला वर्ष है, या तो हम जवानी में जी रहे हैं या हम मां भारती की गोद में जन्म ले चुके हैं। और ये कालखंड, मेरे शब्द लिख करके रखिए मेरे प्यारे परिवारजनों, इस कालखंड में जो हम करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एक के बाद एक फैसले लेंगे। देश के किसानों और मजदूरों का भी पीएम ने अपने संबोधन में जिक्र किया तो वहीं G20 पर भी पीएम ने अपने संबोधन में जिक्र किया। प्रगति की राह पर चल पड़ा है तो मैं मेरे किसान भाई बहनों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। यह आप ही का पुरुषार्थ है, यह आप ही का परिश्रम है कि देश आज कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मैं मेरे मजदूरों का, मेरे श्रमिकों का, मेरे प्रिय परिवारजन, ऐसे कोटि कोटि श्रमिकों को आज मैं नमन करता हूं, उनका अभिनंदन कर रहा हूं। देश आज जो आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, विश्व की तुलना करने वाले सामर्थ्य के साथ नजर आ रहा है, उसके पीछे मेरे देश के मजदूरों का, मेरे देश के श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है। आज देश में G20 समिट के मेहमान नवाजी का भारत को अवसर मिला है। अब पिछले एक साल से हिंदुस्तान के हर कोने में जिस प्रकार से G20 के अनेक ऐसे आयोजन हुए, अनेक कार्यक्रम हुए हैं, उसने देश के सामान्य मानवी के सामर्थ्य को विश्व को परिचित करा दिया है, भारत की विविधता का परिचय कराया है, भारत की डायवर्सिटी को दुनिया अचंभे से देख रही है। देश की युवा शक्ति और भारत के नौजवानों की ताकत और सोच का भी पीएम ने अपने संबोधन में जिक्र किया तो वहीं उन्होंने कहा कि देश के हर सपने को साकार करेंगे। सौभाग्य है, कुछ ऐसी चीजें हमारे पास हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है,
और वर्तमान कालखंड ने गढ़ी है। आज हमारे पास डेमोग्राफी है, आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, आज हमारे पास डाइवर्सिटी है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की ये त्रिवेणी भारत के हर सपने को। देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था का भी पीएम ने अपने संबोधन में जिक्र किया और पेयजल की महत्ता को भी पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया। शक्ति मंत्रालय बनाया, ये जल शक्ति मंत्रालय हमारा हमारे देश के एक एक देशवासियों को पीने का शुद्ध पानी पहुंचे, पर्यावरण की रक्षा के लिए पानी के प्रति संवेदनशील व्यवस्थाएं विकसित हो, उस पर हम बल दे रहे हैं। तो हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर थे और आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया है कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं।